मैंने आज तक 80 पोस्ट लिख चुका हूं, मेरा एक भी पोस्ट कहीं पर भी जो है रैंक नहीं कर पा रहा है। मैंने एक साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं, फिर भी जो है मेरा पोस्ट रैंक नहीं हो पा रहा है। क्या मेरे लिए ब्लॉगिंग सही है या फिर मेरे को ब्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए? एक ऐसे कमाल का सवाल जो है मेरे पास आया बाय मेरा ईमेल, आप यहां पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिन्होंने किया है उन्होंने मेरे को उनकी वेबसाइट भी दिया है कि भाई मेरे वेबसाइट को थोड़ा सा ऑडिट करो और देखो कि मैंने ऐसा कैसा गलती कर रहा हूं, और मतलब कि मैंने ऐसा क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा एक भी पोस्ट फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज तो दूर की बात, दूर दूर मतलब दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब 10 नंबर पेज जो होता है ना जिसके अंदर 100 सर्चेज रिजल्ट दिखाया जाता है, वहां तक भी मेरा पोस्ट किसी भी जगह रैंक नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करूं, मेरे को जो ब्लॉगिंग करना चाहिए या फिर ब्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए? गाइस आप में से बहुत सारे लोग 90% लोग ऐसा मिस्टेक करते हो, और मैं पूरा उसके वेबसाइट को एनालिसिस किया और उसके बाद जो डेटा मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा वो देखने के बाद आप चौंक जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि जी भाई मैं ऐसा गलती कर देता हूँ। सो गाइस सिंपली उसकी सिक्योरिटी रीजन के लिए उसकी वेबसाइट को मैं छोटा सा टाइम में एक बार दिखा के छोड़ देता हूँ। सो यहाँ पे इनका वेबसाइट है बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन अंडर 500 इन इंडिया 2021 इनका टारगेटेड कीवर्ड है। मैंने इसका लेटेस्ट पोस्ट को उठाया, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो मेरे करो ब्लॉगिंग राइटर के अंदर उसको मैंने पेस्ट करके रखा हूं। और यहाँ पे इसका जो टारगेटेड कीवर्ड है आई थिंक इन्होंने इसको टारगेटेड कीवर्ड किया है बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन अंडर 500 इन इंडिया 2021, राइट। तो गलती क्या करी उन्होंने? अगर ये इसका पूरा टारगेटेड कीवर्ड है, मतलब यहाँ पे हम तीन तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला इसका सबसे बड़ा मिस्टेक है इसके आर्टिकल राइटिंग में, सबसे बड़ा मिस्टेक है, और उसके बाद भी और भी कुछ छोटा मोटा मिस्टेक है वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। सो आर्टिकल राइटिंग करने से पहले इन्होंने कीवर्ड रिसर्च नहीं किया अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि इन्होंने ये कीवर्ड पकड़ा कि बेस्ट हेयर ऑयल, तो उसको हम यहाँ पे कीवर्ड सर्फर के थ्रू सर्फ करके देखें कि इसका जो सर्चेस वॉल्यूम है सिर्फ इंडिया से 27,100 है। तो ये इनके लिए और भी एक बड़ा मिस्टेक है कि इन्होंने नया वेबसाइट जो है इस तरीके से छोटे कीवर्ड पे कभी रैंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो गूगल के सर्च रिजल्ट पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो वेबसाइट रैंक किया हुआ है वो सब ब्रांड है, एक एक ब्रांड है जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि, तो तब भी जाके उन सारे लोग यहाँ पे रैंक कर पाया है, तो उनके लिए कभी चांसेस ही नहीं बनेगा कि यहाँ तक आए, ठीक है। अगर यहाँ तक आने के लिए उसको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो एफर्ट जो है उनकी कंटेंट के अंदर है ही नहीं। क्यों, किस तरीके से मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ? सो मेरा ये जो टूल है इसका बहुत सारे स्पेशलिटी है, आपको पता लग जाएगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी तक के लिए मैं फिलहाल इसको बता देता हूँ कि इस टूल का क्या स्पेशलिटी है जो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कंटेंट राइटिंग करने के समय। मान लेता हूं कि ये आपका टारगेटेड कीवर्ड है, सॉरी यार ये आपका टारगेटेड कीवर्ड है बेस्ट हेयर ऑयल, ठीक है। और आपको करना क्या है कि आपका जो भी कीवर्ड है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे उनका जो सीड कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, उसको फ्रंट में डालना है, बाकी इसका जो LSI कीवर्ड होता है उसको एंड में डालना है, जो सपोर्टेड कीवर्ड होता है, ठीक है। ये आप सबको पता है लेकिन इनको नहीं पता, और गलती इनका नहीं है, शायद इनको सीख अच्छी तरीके से किसी ने इस तरीके से सिखाया नहीं है, जो मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूँ इस तरीके से शायद किसी ने आपको सिखाया नहीं है। अगर आपको सच में लग रही है कि इस तरीके से आपको सीख नहीं मिला तो एक लाइक तो बनता है इतना मेहनत से वीडियो बनाने के लिए। सो इनका टोटल मतलब जो सीड कीवर्ड है कि बेस्ट हेयर ऑयल, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कीवर्ड कर देता हूँ, और सेट कीवर्ड करने के बाद देखिए बेस्ट हेयर ऑयल जो है ओनली 5 times इन्होंने यहाँ पे एंट्री मारा है, ठीक है, ओनली 5 times बेस्ट हेयर ऑयल। सो 745 words का यहाँ पे जो है आर्टिकल है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 times इसको यूज किया गया है, वो भी सही तरीके से नहीं किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे बेस्ट हेयर ऑयल, ठीक है। अब देखो बेस्ट हेयर ऑयल कहाँ कहाँ पे एंट्री मारा गया है, सबसे टाइटल में मरा गया है, बाद यहाँ पे जो फास्ट पैरा है उस पर भी यहाँ पे लगाया गया है, एकदम फ्रंट पे भी लगाया गया है, एंड में भी लगाया गया है, बट यहाँ पे एस ऐड है, ठीक है, यहाँ पे एस ऐड 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 है, ठीक है। जितना टाइम उन्होंने यहाँ पे एंट्री मारा है, ओनली ऑयल मारा है 5 times, और ऑयल्स को मैं यहाँ पे अगेन जो इसको मारता हूँ इसी कीवर्ड को बेस्ट हेयर ऑयल्स, ठीक है, ये दोनों कीवर्ड के अंदर डिफरेंसेस है, बेस्ट हेयर ऑयल एंड बेस्ट हेयर ऑयल्स, वो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो कुल मिला के इन्होंने ये दो कीवर्ड्स को कहां कहां पे एंट्री मारा है देख लो, यहां पे बेस्ट हेयर ऑयल्स लगाया है 7 times और बेस्ट हेयर ऑयल लगाया है 5 times। तो गूगल नहीं यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रही है कि भाई आपने किसके बारे में डिस्क्राइब करी हो, बेस्ट हेयर ऑयल के बारे में या फिर बेस्ट हेयर ऑयल्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई सिर्फ एक एस से क्या आता जाता है, देखिए
एक एस से क्या आता जाता है। अगर मैं अगेन यहां पे आता हूं और इसके साथ मैं एक एस ऐड कर देता हूं, देखिए इसका सर्चेस वॉल्यूम जीरो है, एकदम बिल्कुल इसका सर्चेस वॉल्यूम जीरो है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यूजर की इंटेंट के ऊपर, क्योंकि यूजर जब आता है ना तो वो गूगल पे आके क्या सर्च करता है, बेस्ट हेयर ऑयल, तो उस वो एस नहीं ऐड करेगा क्योंकि उसको एस ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जैसे ऑयल लिखेगा छोड़ देगा, क्योंकि यहां पे उतना ग्रामर नहीं चलता है भाई, सर्च इंजिन पे उतना ग्रामर फॉलो नहीं किया जाता है। जो आप जो लोग लिखते हैं सिर्फ ऑयल लिख दिया, उसको रिजल्ट दिखा रिजल्ट दिखा रिजल्ट दिखा, तो लोग जो है ऑयल लिखते चला गया। तो इसके बदौलत ऑयल जो कीवर्ड है इसके अंदर सिर्फ बेस्ट हेयर ऑयल के अंदर जो है आपको 27,000 का ट्रैफिक दिख रही है, मतलब 27,000 का सर्चेस वॉल्यूम दिख रही है, लेकिन ऑयल्स के अंदर जीरो का सर्चेस वॉल्यूम दिख रही है। क्यों? क्योंकि लोग ऑयल्स लिखता ही नहीं है। तो इसलिए जब आप कंटेंट राइटिंग करोगे ना, कंटेंट लिखोगे, तो इस टाइप आपको थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च कर लेना चाहिए कि भाई छोटे से एडोन से क्या हो सकता है। एडोन का मतलब ये एस की मैं बात कर रहा हूँ, एस है तो बहुत कुछ, कुछ भी नहीं है, अगर एस नहीं है तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे ऑयल को टारगेट किया था, तो यहाँ पे उनका जो कीवर्ड प्लेसमेंट है ये ऑयल वाला, यहाँ पे मैं कलर करके दिखा दिया हूँ, तो ऑयल देखो उतने अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और भी जितने सारे कीवर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल्स के साथ आ रही है, इसके साथ एड ऑन एस जो है ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से सर्च इंजन कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कौन से टॉपिक के ऊपर लिखा है, ऑयल के ऊपर या फिर ऑयल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। मान लेते हैं कि इन्होंने इस कीवर्ड को पूरा टारगेटेड कीवर्ड बनाया था, यहां से लेके सर ये जो भी चीज है इसको मैं अभी एंड कर देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि उन्होंने ये बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, इसको उन्होंने कीवर्ड बनाया था, मतलब जो टारगेटेड कीवर्ड है, तो इसको हम लोग यहां पे सर्च करके देखेंगे बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, तो इसका देख सकते हो कि 6,600 का सर्चेस वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बात है। वहां पे कहीं पे था 27,000, तो नया जो वेबसाइट है वो 6,600 को टारगेट करिए तो उसके लिए और भी बेटर है। लेकिन अगर ये इसका मेन कीवर्ड है तो मैं अगेन मेरे टूल पे जाके दिखाया, तो इस टूल को अगर आप चलाना नहीं जानते तो वीडियो को जाके जरूर से देख लेना, आपको टूल चलाना आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं जो इसको काटता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ कि बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, ठीक मेन, ओके। सो ये मेरा जो सीड कीवर्ड्स होता है, अगर ये मेरा सीड कीवर्ड्स होता है तो इसको मैं सेट करके देख लेता हूँ बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, तो इसको ओनली एंड ओनली 3 टाइम यूज किया गया है, कहाँ कहाँ पे वो भी आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे आपने इसको एंट्री मारे हो, बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, ठीक है। अब देखो इसको ओनली एंड ओनली 3 टाइम यूज किया गया है, एक जो है उसके टाइटल में, सेकंड जो है उसके फास्ट पैरा में, और एकदम एंड पैरा में, ठीक है। बीच में कहीं पे भी जो इस टारगेटेड कीवर्ड को प्लेसमेंट नहीं करवाया गया है। कीवर्ड प्लेसमेंट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, आप लोग बिल्कुल नए हो, मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो इस तरीके से कमाल का वीडियो बनने के लिए। सो ये इस तरीके से गलती कर देता है लोग। अगर मान लेते हैं कि भाई इन्होंने और भी कुछ गलती किया है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। मान लेते हैं कि भाई इन्होंने इसको पूरा का पूरा ही जो है इन्होंने कीवर्ड को जो है टारगेट किया है, तो इस कीवर्ड को मैं यहां से कॉपी करूंगा और यहां पे जाके इसको एंट्री मारूंगा और देखा जाए तो इस कीवर्ड का कोई सर्चेस वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। अगर इस कीवर्ड का सर्चेस वॉल्यूम नहीं है उसको छोड़ दीजिए, सर्चेस वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, हमको सर्चेस वॉल्यूम नहीं चाहिए। अगर लोग पूरा ये कीवर्ड लिखेगा बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन अंडर 500 इन इंडिया 2021 तब जो है मेरा वेबसाइट आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगेन कंटेंट राइटिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको अगर हम पूरा का पूरा मानते हैं कि इसको हम सीड कीवर्ड लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, जो पूरा का पूरा टाइटल है मानता हूं कि इसका ये सीड कीवर्ड है, तो इसको हम सेट करके देखते हैं, इसको एक ही टाइम यूज किया गया है वो सिर्फ टाइटल में। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां पे इसको यूज किया गया, ठीक है। सो देख लो आपको कलर के साथ मैच हो जाएगा कि सिर्फ टाइटल में इसको यूज किया गया है। तो अगर ये इसका पूरा सीड कीवर्ड्स होता, टारगेटेड कीवर्ड्स होता, तो उनको जो है इन सारे जगह इसको यूज कर देना, मतलब इसको यूज करना चाहिए था। अब अगेन एक बार बैक चलते हैं, इसकी और भी एक गलती की नजर, मतलब गलती की तरफ नजर डालते हैं। सो वो ये है, ठीक है, कि हम लोगों ने मान लीजिए कि सबसे पहला वाला जो वर्ड था इसको ही टारगेटेड कीवर्ड मान लिया, बेस्ट हेयर ऑयल, तो इसको हम लोगों ने यहां से कॉपी करेंगे, अगेन हम यहां पे जाएंगे और इसको जो है अगेन बेस्ट हेयर ऑयल इसको जो है हम अगेन यहां पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 27,100 का सर्चेस वॉल्यूम है, ये आप सबको दिख रही है, मेरे को भी दिख रही है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, कंटेंट राइट करने के समय शायद आप लोगों को पता है कि जो LSI कीवर्ड होता है, जो सपोर्टेड कीवर्ड होता है, उसको भी ऐड करना पड़ता है। तो इसके अंदर देख सकते हो कि इन सारे LSI कीवर्ड है, यानी गूगल के पास इस कीवर्ड को भी डाल के लोग चेक करते रहता है, ठीक है। तो इन केस में इन्होंने ये भी गलती करा कि कोई सा भी LSI कीवर्ड, मान लीजिए बेस्ट हेयर ऑयल इन इंडिया, बेस्ट हेयर ऑयल इन इंडिया, मैंने यहाँ पे सर्च करके आपको अगेन दिखा देता हूँ,
बेस्ट हेयर ऑयल इन इंडिया और देखो बेस्ट हेयर ऑयल इन इंडिया एक भी जगह इसका जो है कोई जो है सपोर्टेड कीवर्ड यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे गलती किया है। आई थिंक आप लोगों को पता लग रही है कि क्या गलती उन्होंने किया, और जिन लोगों ने मतलब जिन भाई ने मेरे को ये बताया था, ये कंटेंट मैंने आपका एनालिसिस किया हूँ, गलती आपका नहीं है, आपको इस तरीके से किसी ने जो है सिखाया नहीं है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग के अंदर कहाँ कहाँ आपको कीवर्ड प्लेसमेंट करना है और कैसे किस तरीके से आपको कीवर्ड प्लेसमेंट करना है, वो भी थोड़ा सा चतुराई के साथ, थोड़ा सा लॉजिक के साथ। यानी आप किसी को स्टोरी बता रही हो, स्टोरी बताते बताते आपको कीवर्ड प्लेसमेंट कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया बेस्ट हेयर ऑयल, बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, देयर आर मेनी बेस्ट हेयर ऑयल। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मेन, देयर आर मेनी बेस्ट हेयर ऑयल्स। तो ये क्या होता है ना कि एक लोगों को शुरू में ही ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई ये किस टाइप ऑफ जो है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग का मेन सेक्शन होता है किसी को स्टोरी बताना। ब्लॉग का मतलब उसको ऐसे लगे कि वो एक स्टोरी पढ़ रहा है, उसको मजा आ रही है पढ़ते पढ़ते, तब जाके आपको मतलब आपकी ब्लॉग की जो है और भी बहुत कुछ ग्रोथ होगा, राइट। आई थिंक बहुत कुछ नया चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला है। अगर आपने इस टूल को यूज़ नहीं करी हो आर्टिकल राइट करने के लिए, डेफिनेटली इस टूल को यूज़ कीजिए। इस टूल को यूज़ करने की स्पेशलिटी यही है कि आपको जो कीवर्ड डेंसिटी मेजर हो जाएगा, आप कहाँ कहाँ पर आपके कीवर्ड को प्लेसमेंट करिए ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई थिंक वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ। यार मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।